याद रख सकते हैं ऑर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड के नाम से, ठीक है। प्लस सोडियम बीटा फिनाइल एसिटेट, सोडियम बीटा फिनाइल एसिटेट। तो ये जो ग्रुप होता है यह बेंजीन की बीटा पोजीशन पर जुड़ा रहता है, ठीक है। CH2 CN, ठीक है, CH2 CN। तो इसके रिएक्टेंट जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट होते हैं वो होते हैं ऑर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड और सोडियम बीटा फिनाइल एसिटेट, ठीक है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए इस ग्रुप में NO2 है, यहाँ पर भी NO2 है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन में यहाँ बेंजीन है, यहाँ बेंजीन है। अब जो चेंजेस आए हैं रिएक्शन में, जो मेन चेंजेस रिएक्शन में आए हैं वो है आपके CHO ग्रुप में चेंज आया है और CH2COOH में चेंज आया है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन CHO और CH2COOH जो ग्रुप होते हैं ये जब रिएक्शन करते हैं तो ये फॉर्मेशन करते हैं CH2COOH का, ठीक है। CHO और CH2COOH जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इन दोनों के, तो या फिर इसको अगर अपन अलग अलग पार्ट में याद करना चाहते हैं तो इसमें जैसे ये CHO यहाँ पर है और तो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड में CHO है, तो ये CHO अकेला कन्वर्ट हो गया आपका किसमें, CH में, ठीक है। और CH2COOH दोनों किसमें कन्वर्ट हो गया आपका ग्रुप, ये C.COOH। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, मतलब जो ऑर्थो बेंजल्डिहाइड में NO2 और CHO दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं आपको, NO2 में कोई चेंज नहीं होगा, NO2 में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो CHO ग्रुप है दैट विल कन्वर्ट इन CH, ठीक है। और जब CH2COOH ग्रुप चेंज होगा तो इनके बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के साथ ये पूरे ग्रुप में चेंज हो जाएगा C.COOH, ठीक है। बाकी की बेंजीन वही बेंजीनिंग सेम रहेगी, ठीक है। तो जो कंपाउंड बनता है तो उसको बोलते हैं अल्फा फिनाइल ऑर्थो नाइट्रो सिनेमिक एसिड, अल्फा फिनाइल ऑर्थो नाइट्रो सिनेमिक एसिड। अब सबसे पहले आपको रिएक्शन को याद करना है, ठीक है। तो रिएक्शन को याद करने के लिए आप याद रखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ है ये CHO, ठीक है, CH2CHO, उसके बाद दूसरा ग्रुप था क्या, CH2COOH, ठीक है, बराबर, ठीक है, CHO CH2COOH, ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप किसमें चेंज हो गए आपके, CH1C.COOH। याद करने का ये जो फॉर्मूला है या तरीका है, कई लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा शॉर्ट आपके लिए याद करने के हिसाब से बहुत बेटर पड़ेगा, ये CHO CH2COOH, ठीक है, कौन CH1C.COOH, मतलब जो CHO ग्रुप था और जो CH2COOH ग्रुप था, इन दोनों को मिलाकर जो नया फंक्शन ग्रुप क्रिएट हुआ है यहाँ पर, तो ये हुआ है CH1C.COOH, ठीक है। और इसे बोलते हैं बेंजीनिंग, नाइट्रो ग्रुप के साथ सेम रहेगी और यहाँ की बेंजीनिंग में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन को आप किस तरीके से याद रखना है, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शन बच्चे लिखते हैं, बार बार लिखते हैं, बार बार भूल जाते हैं, तो आप एक ऐसे शॉर्ट तरीके से इसको याद रख सकते हो, ओके, ठीक है। तो ये था इसका फर्स्ट पेज। उसके बाद इसमें सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। तो ये जो ग्रुप है आपका, देखिए इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज कहाँ आया है, NO2 ग्रुप। तो जो NO2 ग्रुप होता है ये डिस्प्लेस होता है और इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूशन में NaNO2 और H2SO4 दोनों का ही रिएक्शन कॉम्बिनेशन N2+HSO4- मतलब NO2 ग्रुप की जगह पर आपको क्या लिख देना है, N2+HSO4-, ठीक है, N2+HSO4-, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। जब रिएक्शन आगे बढ़ती है तो N2+HSO4- क्या हो जाता है, ये डिस्प्लेस हो जाता है और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। याद रखिए N2HSO4 जब ये डिस्प्लेस होगा तो इनके बीच में क्या होगा, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बाकी जो ऊपर जो
आपने जो फंक्शन में वो एक ग्रुप बना हुआ था वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। इसके बाद इसमें से CO2 माइनस करेंगे मतलब CO2 इसमें से एलिमिनेट होगी, तो इसमें से फॉर्मेशन करता है ये फेनेंथ्रीन 9 कार्बोक्सिलिक एसिड का, और जो फेनेंथ्रीन 9 कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है फेनेंथ्रीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसको रिएक्शन को लिखिए, बार बार स्किप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको बेटर लिख पाएंगे।